है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट का मौका है, इस सब पर हम बातचीत करते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक हमारे साथ बने हुए। रूपक नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इंडेक्स पर ही बताइए, हालांकि जियो पोलिटिकल क्राइसिस के बीच में हम ये प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, मार्केट ने रनअप काफी दिखाया भी था, तो एक मौका भी चाहिए था थोड़ा हल्का होने का। अब यहाँ से सपोर्ट कहाँ देख रहे हैं आप इंडेक्स पर, क्या राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? जी नमस्कार। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन और बाकी रीजन की वजह से जो मार्केट में जो करेक्शन आया है, अभी करेक्शन लगता है कि एक्सटेंड हो सकता है, बट इमीडिएट सपोर्ट है 25,300 पे। शॉर्ट टर्म वाली, शॉर्ट टर्म कहिए या मिड टर्म, 25,300 इज अ बिग सपोर्ट। उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो स्ट्रॉन्ग करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है, और अगर ऊपर में 25,550 के ऊपर रिकवरी दे दे एक दो दिन में, तो मार्केट में वापस एक बार रिजम्पशन ऑफ बुल रन देखने को मिल सकता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 51,700, उसके नीचे बैंक निफ्टी में बहुत जबरदस्त सेलिंग आ सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट तो बेयरिश है, बट सपोर्ट के पास है, होपफुली सपोर्ट ले ले, सपोर्ट नहीं लिया तो बड़ा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है। ओके, चलिए, तो ये तो इंडेक्स पर राय हुई, थोड़ा सा संभल कर कॉशियसनेस के साथ फिलहाल मार्केट को अप्रोच करें, यही सजेशन है आपके लिए। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज रूपक कुछ रहेंगी क्या आपके? जी, स्टॉक्स रहेगा थोड़ा छोटा, स्टॉक्स में कॉल रहेगा साले होटल में, पहला कॉल रहेगा। स्टॉक ने एक बुलिश एंगल्पिंग पैटर्न बनाया डेली चार्ट पे, तो एक्सपेक्टेशन है कि ये एक रैली में कन्वर्ट होगा। शॉर्ट टर्म में 925-930 तक जा सकता है अपसाइड में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 858 पे। दूसरा स्टॉक रहेगा जीएसपीएल में, ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद अपसाइड में सस्टेन कर रहा है, तो बायर्स का स्ट्रेंथ है स्टॉक में। अपसाइड में ये 460 तक जा सकता है, नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 419 में। स्टॉक का नाम है जीएसपीएल। ओके, तो जीएसपीएल और शैलेट होटल्स, ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए हैं रूपक ने, जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिड कैप्स की। मिड कैप्स में प्रेशर अब और एक्सटेंड होते हुए, एक बार देख लीजिए आप इंडेक्स को, जो कि दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 1.67% की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है। दिखाते हैं आपको सेलेक्ट पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं आईटी के साथ। आईटी स्टॉक्स में बिकवाली, पर्सिस्टेंट सिस्टम 4.5% नीचे, एलएनटी टेक सर्विसेज में 4.2% की गिरावट, एम्फोसिस 3% नीचे, 3% नीचे इंटेलेक्ट डिजाइन का स्टॉक कारोबार कर रहा है। साथ ही दिखाएंगे आपको एफएमसीजी शेयर्स, हालांकि डाबर तो अपने जो अपडेट्स आए हैं क्वार्टरली उसकी वजह से मूड बिगड़ा हुआ है, लेकिन प्रेशर और भी स्टॉक्स में देखने को मिला है। डाबर तो 6% नीचे है ही, लेकिन नीचे है बजाज कंज्यूमर 3.5%, गोदरेज इंडस्ट्रीज में 6% की गिरावट है, टाटा कंज्यूमर भी 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। एफएमसीजी के बाद दिखाएंगे अब आपको एनबीएफसी, चोला फाइनेंस 3.5% नीचे, 4% नीचे श्रीराम फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेस में 4% गिरावट, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी 4% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। अब दिखाएंगे आपको केमिकल स्टॉक्स, जहां पर हमने काफी खरीदारी देखी थी, इनका मूड बिगड़ा हुआ है। नवीन फ्लोरीन 4% नीचे, 5% सुदर्शन केमिकल्स, थ्रूमलाई केमिकल्स 3.5% नीचे, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में भी 4.5% गिरावट देखने को मिल रही है। रियल्टी सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स आज कारोबार में 4.5% नीचे, फिनिक्स ब्रिगेट 4% नीचे, 5% नीचे डीएलएफ, और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 4% गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जो कि हरे निशान में कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पेट्रोनेट एलएनजी 6% का उछाल, 2% ऊपर जनता फार्मा, वर्लपूल 1% ऊपर, और कोलगेट में भी 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल आज के सेशन में। लेकिन हम बात करेंगे सीमेंट स्टॉक्स की, और मॉनसून खत्म होते ही देश में सीमेंट महंगा हो गया है। पूरे देश में सीमेंट कंपनियों ने दाम 10 से 30 रुपये तक बढ़ा दिए हैं, और डिटेल्स के साथ यतिन मोता है। यतिन बताइए। देखिए, अगर हम अक्टूबर की बात करें तो क्योंकि जो मॉनसून सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है, तो टिपिकली जो सीमेंट कंपनियां हैं कोशिश ये करती हैं कि जो पीक फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो रही है, यहाँ सीमेंट के दाम बढ़ाए जाएं। अगर हम जो रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, कुजेंसिस पे भी इन्फॉर्मेशन आई है कि 10 से 30 रुपये प्रति 50 kg बैग आपको दाम बढ़ते हुए दिखाई दिए ऑल इंडिया बेसिस पे। और आंध्र तेलंगाना यानी जो साउथ मार्केट्स हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको प्राइस हाइक आती होती हुई दिखाई पड़ी है, लगभग 20 से 30 रुपए की। तमिलनाडु में भी लगभग 10 से 20 रुपए की प्राइस हाइक होती हुई दिखाई पड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो आज लागू होने वाले नए दाम हैं वो किस तरीके से सस्टेनेबल होते हैं वो देखने रहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें अगस्त महीने की तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था प्राइस हाइक्स एग्रेसिव करने का। हालाँकि थोड़ा बहुत रोल बैक हो जाता है, लेकिन टिपिकली जो फेस्टिव सीज़न का शुरुआत है और मॉनसून का लीन पीरियड जब शुरू हो जाता है, तभी जनरली आप सीमेंट के प्राइसेस में फर्मनेस देखने हैं।
और कहीं ना कहीं इसको लेके भी आज स्टॉक मार्केट में अगर हम मिड कैप स्टॉक्स की बात करें, सीमेंट स्टॉक्स की बात करें, तो यहाँ थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया इतना आपका डिटेल्स बताने के लिए। सीमेंट स्टॉक्स देखेंगे भी आज के सेशन में, तो मार्केट के सेल ऑफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या तो फ्लैट हैं या थोड़े बहुत नेगेटिव बरसाती कारोबार हो रहा है। सीमेंट स्टॉक्स पर कोई टेक आपका रूपक, कोई स्टॉक जो आपके रडार पर रहेगा? जी अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने स्टॉक अभी भी 21 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अपसाइड में वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एक अपसाइड का टारगेट बन रहा है 12,100 का, और नीचे सपोर्ट रहेगा 11,540 का। ओके चलिए रुक रहे हैं इसी साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं।